ये किस्मत नहीं है कि मेरे किए की सजा मिल रही है मुझे। मैंने मनाहिल के साथ क्या कुछ नहीं किया, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। देखो बेटा, ये सब किस्मत का खेल है। हमें नहीं पता होता खुदा हमारे लिए क्या सोच रहा है, उसकी क्या मसलहत है। क्या पता हम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो जो टल गई हो। कुछ बुरा भी तो हो सकता था ना। आई एम सॉरी राबिया, मैं जानता हूँ कि मेरे सारे अल्फाज खोखले तुम्हारे गम के सामने। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान दे देता, पर उस बच्चे को कुछ ना होने देता। राबिया, राबिया, ऐसे क्यों रो रही हो? मेरी जान इधर आओ, ऊपर बैठो। शाबाश, यहाँ बैठो मेरे पास आके। राबिया प्लीज, मेरी जान बस कर जाओ। कब तक यूं आंसू बहाती रहोगी? इस हादसे को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं फैजा, मैंने जो मनाहिल के साथ किया, साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो गया। क्या कह रही हो राबिया तुम? तुमने मनाहिल के साथ ऐसा क्या किया? किया है। मनाहिल को सीढ़ियों से गिराने वाली मैं थी। मैंने गिराया उसको सीढ़ियों से, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। राबिया, ये तुम क्या बैकी बैकी बातें कर रही हो? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ फैजा, मैं इतने दिनों से ये बात अपने दिल में तपन करके चल रही थी। उस दिन मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, मैं अपने कमरे से बाहर निकली और मुझे मनाहिल सामने देखी, उस पर गुस्सा आया और मैंने उसको नीचे सीढ़ियों से गिरा दिया। I swear, मैंने ये सोचा भी नहीं कि उसका मिसकैरेज हो जाएगा। और अब मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरे साथ भी exactly वैसा ही हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी तरफ देखिए। ये क्या? आपका जख्म साफ करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं करवाना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं अभी इसे साफ करके ड्रेसिंग कर दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे अभी पता चला और I'm sorry राबिया, मैं जानता हूँ कि मेरे सारे अल्फाज खोखले तुम्हारे गम के सामने। तसल्ली या हौसला, सब बेमानी, सब बेमानी। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान दे देता, पर उस बच्चे को कुछ ना होने देता। आराम, आराम।
आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलाए मैं आपकी ड्रेसिंग चेंज कर। बनाई जा रही थी। और कपड़े नहीं थे, बस इतने ही निकाले हैं। अब क्या हुआ? मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ। और कपड़े नहीं हैं धुलवाने के लिए? नहीं, फिलहाल तो यही है। लो, इसकी तो ऊपर की खोपड़ी बिल्कुल ही खाली है। जो प्रॉब्लम है साफ साफ बताएं, घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हैं? हाँ तो कब से तो बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारे कानों में जो ही नहीं रेंगती। मसला क्या है आपको? कपड़े धुलवाने के लिए पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होता ये काम। तो इस बात को लेकर लड़ना चाहती हैं आप? मैं लड़ रही हूँ? मैं तो समझाने चली हूँ तुम्हें और तुम मुझ पे ही शुरू हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप अगर मुझ पे उंगली उठाएंगी तो सामने से जवाब भी सुनना पड़ेगा। हाँ तो दो ना जवाब, फिर देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ का नहीं। अम्मी को बीच में मत लाए वरना मैं बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगी। हाँ तो मत करो, मैं थोड़ी उनके टुकड़ों पे पलती हूँ। For God's sake, कपड़ों का जिक्र हो रहा था, बात कहां से कहां ले जाती हैं? कपड़ों से बात लेकर मेरी अम्मी तक पहुंच गई। बीबी बेटा, ये बात आप आराम से भी तो कर सकती थी, इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? माना कि कोई अहमियत नहीं है मेरी इस घर में, लेकिन फिर सास हूं तुम्हारी, थोड़ी बहुत इज्जत तो बनती है ना मेरी बेटा। मैं तो आपको इज्जत देना चाहती हूँ, मगर आपको खुद ही इज्जत रास नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुनो, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मम्मी से? सही वक्त पे आए हैं आप ही इनसे पूछे, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। मैंने तो सिर्फ बेटा इतना ही पूछा था कि और कपड़े हैं धुलवाने के लिए या नहीं। सुनो, अम्मी से माफी मांगो इसी वक्त। माफी मांगो? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा था? हाँ, और मैं खुद अपनी आंखों से देख भी चुका हूँ। तुम्हें अम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करूँ मैं, ये मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती है कि मुझे जवाब देना पड़ता है। तुम दूसरों की नजर से देखोगी ना तो तब तुम्हें अंदाजा होगा कि बदतमीजी तुम कर रही हो, ये नहीं। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट बिलीव दिस। सना, अम्मी से माफी मांगो इसी वक्त। Never. Sana. Sana. क्या कर रही हो सना? अपने घर जा रही। सना, अब यही तुम्हारा घर है? शादी से पहले मुझे भी यही लगता था कि ये मेरा घर है, मगर तुमने और तुम्हारी अम्मी ने प्रूफ कर दिया कि ये मेरा घर नहीं है, ना ही था और ना ही कभी होगा। यार अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और कुछ। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? और तुम्हारी अम्मी जो कर रही है वो क्या है? सना, जब तुम्हें अम्मी के बात करने का अंदाज पता है तो क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मुझे कोई फॉर ग्रांटेड ले ये मुझे पसंद नहीं है। शादी करके आई हूँ, कोई कब्जा करने नहीं आई इस घर पे। तुम्हारी अम्मी का तो समझ में आता है मुझे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर तुम्हारा क्या मसला है? तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं फाद, तुम्हें पता है कि गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करती। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये खामोशी। अगर वक्त पे आवाज उठाई होती ना तो आज ये नौबत ना आती। सना, नहीं करो। सना, डोंट डू दिस। Sana, don't go. Sana. तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ और तुमने कुछ गलत नहीं किया। जी अम्मी, जब से शादी हुई है रोज नया ड्रामा करती हैं। वो हमेशा से ऐसी है, इसीलिए कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता। अल्लाह ने उसके बेटे को इतना कुछ दिया, बेटियों को भी अच्छे घर मिल गए, अब तो अपनी जुबान साफ कर लेनी चाहिए उसे, मगर नहीं भाई। हाँ अम्मी, बात करने तक का सलीका नहीं है उनमें,
इंसान को जमाने के साथ चलना होता है। जैसे जमाना बदलता है, इंसान को भी बदलना चाहिए। एक वक्त था जब मैंने फायजा को एक कदम बाहर निकाल दिया घर से, और एक वक्त वो भी आया कि मैंने राबिया को ऑफिस जाने की इजाजत दी। इंसान में कुछ लचक होनी चाहिए, वरना सब उसका साथ छोड़ देते। छोड़े ना अम्मी, आदत है उनकी। खैर तुम रिलैक्स रहो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। वहाद आएगा तो मैं उसे भी साफ साफ समझा दूंगी कि अपनी माँ को जरा कस के रखे। बिल्कुल अम्मी, ऐसा ही कहिएगा। क्या हुआ है? कोई बुरा ख्वाब देखा है आपने? कम से कम एक घूंटी पी ले। किसी बात पे परेशान है? आराम अगर आप बना है। तुम्हारे साथ क्या मसला है? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा। शाम मुझे दवाई लेने जाना है। तुम्हें सिर्फ फ्रेश एयर की जरूरत है राबिया, दवाई वगैरह नहीं। मुझे अपने कमरे में जाना है। राबिया प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ मेरे लिए। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, वहां तुम अपने कमरे में बंद रहते। देखो राबिया, जो हुआ हम उसे भूल तो नहीं सकते, और जीना ही जिंदगी है, सिर्फ गुजारना जिंदगी का नाम तो नहीं है। कब तक क्यों रोती रहोगी राबिया? भूल जाओ उसे, जो हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है। उस बच्चे की ख्वाहिश सिर्फ हम दोनों को नहीं बल्कि पूरे खानदान को थी। तब उसको देखने के लिए बेकरार था, मगर अल्लाह ने चाहा तो वो दिन फिर लौट आएंगे रानी। मगर हमें साथ चलना है, हर खुशी हर गम में साथ रहना है। जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो तो मुझे कोई फिक्र कोई डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब में तुम अकेली नहीं। इस तरह मुंह उठाकर चली गई वो, उसे कुछ घर की फिक्र है भी या नहीं? मैं तो कहती हूँ सही मौका है, पड़े रहने दो उसको वहीं पे, शायद उसे अकल आ जाए। मनाने मत चले जाना उसको, सुनाई दे रहा तो मैं या नहीं? क्या कह रही मैं भला? अरे कमाल है, चाय भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सना? ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। फादिया के क्या? वो शहर से बाहर गए हुए हैं, और मुझे तो आना ही था आपके लिए, राबिया के लिए।
अच्छा वापसी में तो लेने आएगा ना? या ऐसा तो नहीं कि जैसे अकेली आई हो वैसे ही तुम्हें अकेले वापस जाना पड़े? सना, सना तुम अकेली आई हो? कम से कम फहद को तुम्हें घर तो छोड़ने आना चाहिए था। भाई वो फहद, उनको जल्दी में जाना पड़ा, इसीलिए तो अम्मी ने बुलाया मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ अम्मी ऊपर है, मिल लो। उस हादसे के बाद मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, खुद को सजा देने की हिम्मत नहीं है मुझे। मेरे सारे अल्फाज बेमानी हैं, लेकिन दुख भी कितनी अजीब चीज होता है, जब किसी अपने को हो तो इसकी शिद्दत का एहसास कितना बढ़ जाता है। मेरे तो अभी भी हलक से निवाला नहीं उतरता। होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन फिर भी दिल पर लगी चोट पर तो मरहम भी नहीं लगाया जा सकता। वक्त हर मस की दवा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पापा, राबिया सारा दिन कमरे में बंद रहती है, अगर थोड़ी सी आबो हवा तब्दील हो जाए ना तो वो बेहतर महसूस करेगी। हाँ, हम सब कभी यही जी चाहता है कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, बेहतर हो जाए। जी, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर ले जाऊं। तुम अरसाम और राबे से पूछ लो, अगर वो आपस में तय कर ले तो मुझे क्या इतराज है। जी ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। हैं, मैं तुम्हारे बगैर अकेला क्या करूँगा राबे? तुम यहाँ खुश नहीं हो? मेरी खुशी मुझसे रूठ गई है। यहाँ हर पल हर वक्त मुझे सिर्फ उसी की याद आती है। कितना अजीब रिश्ता है मां और बच्चे का, मैंने उसको कभी देखा भी नहीं, उससे कभी मिली भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी तड़प है, बयान नहीं कर सकती। प्लीज राबी, इस बारे में मत सोचो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो खुशियां फिर लौट आएंगी। उस वक्त तक ना जाने मेरा क्या होगा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अरसाम, तुम्हें मेरी खुशी अजीज है। निशा, तो फिर मुझे जाने दो, मैं वहां जाके ठीक हो जाऊंगी। ठीक, अरहम ये लीजिए, आपके लिए बना कर लाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी? हर बात में बीच में आना तुम्हें जरूरी? मैं तो बस क्या, हर बात के बीच में टांग अड़ाना जरूरी? और वैसे भी अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तुम अपने मायके चली जाओ। Thank you.
राबिया बेटा हम और खुशी तो दोनों साथ साथ चलते हैं ना, औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन वो वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता बेटा। जब फाह सना को लेने आई है तो सना को फाह के साथ जाना चाहिए, और सना तुम हमारी छोटी और लाडली बहन, हम तुम पर कभी भी आफत नहीं आने देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी बातें तो अपने घर छोड़ते यहाँ पर आ जाए। अगली बार ख्याल रखना जी भाई। जब सूखी लकड़ियों सा